7 सितंबर को इंदौर महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने जावेद अख्तर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें तालिबान भेज देना। उस पर शनिवार देर रात नेपाल के फोन नंबर से बाबा को फोन पर धमकी दी गई कि आश्रम में लाशों का ढेर बिछा देंगे। हेलो, ऐसा है, राधे राधे बाबा बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। ये जो तुम हमारे समाज के लोगों का उत्पीड़न इंदौर में करते हो ना। अरे कौन बोल रहे हैं आप? तुम बंद कर दो। आप बोल कौन रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ उससे मतलब मत रखो। अरे आप, मैं जो सुन रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ज्यादा मेरे से बेटन से बात नहीं करना। तुम बोल कौन रहे हो? तुम्हारा नाम बताओ। तुम बोल कौन रहे हो? पहले इतने चिथड़े हुएंगे तुम्हारे, इतने चिथड़े हुएंगे कि तुम्हारी लाश की बोटियां नहीं गिनने पाएंगे। ए ज्यादा दिमाग से ना, ऊंचे दिमाग से बात मत करो मेरे से, है ना। तुम बोल कौन, तुम्हारा नाम बताओ तुम जरा। कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला है? क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम्हारे घर के सामने तुम्हारी लाश की बोटियां गिनने वाला कोई नहीं। तुम्हारे जैसे 5660 घूमते, कभी जागने कोशिश भी मत करना, नहीं जूते बहुत पड़ेंगे ना। अब तुम इसका परिणाम देखना कि तुम हमारे दिखा ले रहा तेरे समाज के लोगों के साथ में। अरे तुम हो साले, कौन से समाज के हो तुम बताओ ना मेरे को। तुम्हारे घर के सामने जो है, तुम्हारे घर के सामने लाशों का ढेर। तो हम लगवा देना, लगवा दे। कब लगाओगे बताओ? मैं आऊँ तुम्हारे यहाँ कितना दिन में लगाओगे ना? जो हमारे समाज, अरे मैं क्या करूँ, तुम कितना दिन में लगाओगे? मैं आऊँ तुम्हारे सामने, तुम्हारा नाम क्या तुम बताओ, तुमको मैं बताऊं क्या? एक महीने के अंदर इसका परिणाम देखना हो। कर लेना ठीक है। ज्यादा बोलता नहीं, बस तुम इसका परिणाम देखना। ठीक है, चल रख फोन।